तो देखिए समाज का एक भावना है कि जो समाज 90% 80% भाजपा को वोट देता है लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देता है। तो अभी भूमिहार समाज हम लोग एकजुट होकर यही कर रहे हैं कि जो पार्टी हमें मुख्यमंत्री का पद देगा 2025 में, जो पार्टी लोकसभा में हमारे को 10 सीट देगा, भूमिहार समाज अब पार्टी नहीं अपना बेटा देख के वोट करेगा। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। डॉक्टर सिगरेट सिंह की आज 63वीं पुण्यतिथि थी और उसी के उपलक्ष्य में आज ब्रह्मर्षि समाज के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था। ब्रह्मर्षि समाज के एक नेता हैं विवेक शर्मा, उनसे बात करते हैं क्या कुछ था आज। देखिए भूमिहार समाज का इतिहास रहा है त्याग का, समर्पण का, सबको साथ लेने चलने का, उसी के कड़ी में आज भूमिहार समाज द्वारा, ब्रह्मर्षि समाज मंच द्वारा श्री कृष्ण बाबू के 62वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोग भूमिहार समाज द्वारा एक एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया है जो हर वर्ग के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए ये निःशुल्क सेवा रहेगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा ये हमारा भूमिहार समाज का इतिहास रहा है कि समर्पण करने का, सेवा करने का, सबको साथ ले चलने का, उसी की कड़ी में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। और यहाँ पे आज मुख्य अतिथि में डॉक्टर सीपी ठाकुर जी थे, नीरज कुमार जी थे, सहजा बाबू थे। तो देखिए समाज का एक भावना है कि जो समाज 90% 80% भाजपा को वोट देता है लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देता है। तो अभी भूमिहार समाज हम लोग एकजुट होकर यही कर रहे हैं कि जो पार्टी हमें मुख्यमंत्री का पद देगा 2025 में, जो पार्टी लोकसभा में हमारे को 10 सीट देगा, भूमिहार समाज अब पार्टी नहीं अपना बेटा देख के वोट करेगा। यहाँ का निचोड़ आपको आज के दिन का यही बता रहा हूँ। नहीं, सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है ना कि जो वोट बैंक है भूमिहारों का वो तो सिर्फ उसी के लिए है चाहे वो कुछ भी करे। भूमिहार समाज देखिए बुद्धिजीवी समाज है, किसी का वोट बैंक नहीं हुआ है। भूमिहार समाज का ये बोल सकते हैं कि भूमिहार समाज को राष्ट्र की चिंता होती है, प्रदेश की चिंता होती है। तो प्रदेश और राष्ट्र के चिंता के साथ साथ भूमिहार समाज को अब बेटा की भी चिंता होने लगी, अपनी राजनीतिक भी चिंता होने लगी कि हम कहीं भी एक पार्टी को बिना मांगे वोट दे रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं राजनीतिक पतन हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे हिस्सेदारी खत्म हुआ है। हमने दूसरे को सिर्फ गद्दी पे बैठाने का काम किया है और हम पिछलग्गू बन के हैं। तो भूमिहार समाज अब बदल गया है, आज के युवा पीढ़ी बदल गए हैं और हम लोग 5-6 साल से जगा दिए हैं समाज को कि अब 2024 में जो पार्टी नहीं बेटा को वोट करेंगे, जो हमारा बेटा को टिकट देगा, जो हमारा बेटा जीतने लायक रहेगा हम उसको जिताएंगे। हमारी अपनी संख्या भागीदारी राजनीति में बढ़ाना है, ये सभी भूमिहारों का एक आवाज़ है, चाहे सीपी ठाकुर साहब हैं, चाहे नीरज कुमार जी हों, चाहे सहजा बाबू हैं, सभी का एक मत है कि समाज को हिस्सेदारी ज़्यादा मिलना चाहिए। मम यत्पुरुषं विदधो कतिधात् कल्पयन् मुखं किमस्याचित्तं बाहो कुमोरुपादा उच्येते मम ब्राह्मणस्य मुखमाशत बाहो राजन्यः कृतः घोरो तदस्य वैश्यः परिधां वंशद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादगं रजायत मम नाभ्या आसीदन्तर्चगं शिष्णादव समवर्तता पदभ्यामोम सीतात्कण्ठकालो कन्यकल्पन्न हरियम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोलो बोलो हर हर महादेव, जय जय परशुराम, जय जय भूमिहार। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ विवेक शर्मा थे, सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।